द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट ग्रेशियस द मोस्ट मर्सीफुल। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग गुड। टुडे दिस इज़ अ लेक्चर ऑफ 12th जनवरी 2021। द डे इज़ ट्यूसडे, क्लास 7th। द सब्जेक्ट इज इंग्लिश, यूनिट नंबर 6। द टॉपिक इज लेसन एंड द सब टॉपिक ऑफ दिस लेसन इज द फिशिंग बबून। फिशिंग बबून, माहीगीर बबून। बबून यहाँ पे स्टोरी में एक जानवर है जिसका फेस जो है वो एक कुत्ते की जैसा है और वो खुद एक बंदर जैसा है। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ योर क्लास टेस्ट। टुडे इज़ टेस्ट डे। एज़ यू नो ऑल, आप लोगों ने क्या करना है, अपना टेस्ट प्रिपेयर किया हुआ है तो उसको आपने क्या करना है, नोटबुक रेडी करनी है आपने। आप ट्यूसडे लिखना है, 12th जनवरी लिखना है, ये आपका जो है आपने इसको लाजमी लिखना है पेज पे। देन यू हैव टू राइट क्लास टेस्ट। क्लास टेस्ट आपने राइट करना है, फिर आपने टॉपिक लिखना है, पेज नंबर मेंशन करना है। देन यू हैव टू राइट क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। आपने दोनों क्वेश्चन जो हैं इनको राइट करना है, इनके आंसर राइट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, द स्टोरी इज़ कॉल्ड हाउ मच लैंड डज अ मैन नीड। हाउ मच डिड पाहम थिंक ही नीडेड। पाहम क्या सोचता है कि उसको किस चीज़ की ज़रूरत है। व्हाट आंसर टू द क्वेश्चन हाउ मच लैंड डज अ मैन नीड, एक आदमी को कितनी ज़मीन की ज़रूरत है, इसका आंसर क्या है, इस सवाल का जवाब क्या है, इज़ गिवन एट द एंड ऑफ स्टोरी। क्या ये एंड पे दिया हुआ है, कहानी के आखिर में दिया हुआ है, आप लोगों ने इसके आंसर लिखने हैं। देन दिस इज़ योर क्लास वर्क। आप लोगों ने मेरे साथ साथ इसको पढ़ना है, रीडिंग करनी है, अच्छे से इसको समझना है। सो वी विल स्टार्ट आर रीडिंग फ्रॉम पेज नंबर 154 और ये पैराग्राफ नंबर 4 है। ओके, इट वॉज़ रेयरली लॉन्ग इन कमिंग, ऐसे होने में बहुत कम देर लगती है। वेन द फ्लोट डिसअपियर्ड फ्रॉम व्यू, जब काग नज़रों से ओझल हो जाता। एंड द लाइन जर्क्ड वायलेंटली इन हिज हैंड, और उसके हाथों में जो डोरी थी उसको झटका लगता। ही वुड कम टू लाइफ इंस्टेंटली, तो उसमें फ़ौरन ज़िंदगी दौड़ जाती। ये कौन है जिसके बारे में बात हो रही है, ये बबून है। हमने पैराग्राफ नंबर 3 में पढ़ा था कि उसने अपने हाथों के गिर्द डोरी लपेटी थी और उसने नीचे फेंकी थी और वो देख रहा था, बिल्कुल डोरी मर उसकी नज़र थी क्योंकि वो माहीगीर है, मछलियां पकड़ता है, तो वो क्या कर रहा था, डोरी को देख रहा था। ऐसा होने में बहुत कम देर लगती है। व्हेन द फ्लोट डिसअपियर्ड फ्रॉम व्यू एंड द लाइन जर्क्ड वायलेंटली इन हिज हैंड, ही वुड कम टू लाइफ इंस्टेंटली, जब काग नज़रों से ओझल हो जाता और उसके हाथ में डोरी को ज़ोर से झटका लगता तो उसमें फ़ौरन ज़िंदगी दौड़ जाती। अ लाउड ट्रियम्फेंट हु, एक बुलंद फातेहाना आवाज़ जो थी उसके हल्क से निकलती, हु वुड बर्स्ट फ्रॉम हिम, उसके हल्क से निकलती। एंड ही वुड विंड द लाइन इन रैपिडली हैंड ओवर हैंड अंटिल द फिश ले गैस्पिंग इन द बॉटम ऑफ द कैनो। एंड ही वुड विंड द लाइन, और वो डोरी को तेज़ी से, इन रैपिडली तेज़ी से हैंड ओवर हैंड हाथ पर लपेटता, अंटिल द फिश ले गैस्पिंग इन द बॉटम ऑफ द कैनो, यहाँ तक कि जो मछली थी वह हांपती हुई कश्ती की तह में पड़ी होती। गैस्पिंग इन द बॉटम ऑफ द कैनो, हांपती हुई कश्ती की तह में पड़ी होती। लावल वुड नेवर एक्चुअली टच इट हिमसेल्फ, लावल कभी भी उसको टच नहीं करता, खुद हिमसेल्फ खुद टच उसको छूता नहीं, नेवर कभी भी नहीं छूता, क्योंकि एन अर्ली एक्सपीरियंस रिजल्टिंग इन अ हुक बीइंग एम्बेडेड इन हिज फ्लैश एंड कन्विंस्ड हिम दैट ऑल फिश वर इक्विप्ड विद बार्ब्ड आयरन फैंग्स।
क्योंकि एक इब्तदाई तजर्बा जिसका नतीजा आंकड़े के इसके गोश्त में उतर जाने की सूरत में निकला था, क्योंकि एन अर्ली एक्सपीरियंस रिजल्टिंग इन अ हुक बीइंग एम्बेडेड इन हिज फ्लैश, एक इब्तदाई तजर्बा जो था आंकड़े का उसके गोश्त में उतर जाने की सूरत में निकला था, हैड कन्विंस्ड हिम, उसे यकीन दिला चुका था दैट ऑल फिश वर इक्विप्ड विद बार्ब्ड आयरन फैंग्स, कि तमाम मछलियों में कांटेदार आहनी दांत लगे होते हैं। बट ही न्यू, लेकिन वो जानता था, व्हाट टू डू विद हिज कैच व्हेन ही हैड इट, लेकिन वो जानता था कि उसको क्या करना है जब वो शिकार को पकड़ ले, शिकार को पकड़ने के बाद वो जानता था कि उसके साथ क्या करना है। ही केप्ट अ लंप ऑफ वुड, उसने लकड़ी का एक डेला सा रखा हुआ था, बाय हिम इन द कैनो, कश्ती में उसने अपने साथ एक लकड़ी का डेला सा रखा हुआ था, एंड ही वुड यूज दिस टू गुड इफेक्ट, एंड ही वुड यूज दिस टू गुड इफेक्ट, और उसे बड़ी खूबी से इस्तेमाल करते हुए मेथोडिकली पाउंडिंग द अनफॉर्चुनेट फिश अंटिल ऑल लाइफ वॉज एक्सटिंक्ट, मेथोडिकली पाउंडिंग द अनफॉर्चुनेट फिश अंटिल ऑल लाइफ वॉज एक्सटिंक्ट, बदकिस्मत मछली को मुनज़्ज़म ज़र्बात का निशाना बनाता यहाँ तक कि उसकी ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म हो जाती, मेथोडिकली पाउंडिंग द अनफॉर्चुनेट फिश, उसको क्या करता, बदकिस्मत मछली को मुनज़्ज़म ज़र्बात का निशाना बनाता, अंटिल ऑल लाइफ वॉज एक्सटिंक्ट, यहाँ तक कि उसकी ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म हो जाती। Once it stopped moving, he lost all interest in it. जब ये हरकत करना बंद कर देती तो उसमें सारी दिलचस्पी ख़त्म हो जाती। Leaving the removal of the hook to others more adept, वो इसमें से कांटा निकालने का काम ज़्यादा माहिर अफराद के हवाले कर देता। Leaving the removal of the hook, कांटा निकालने का काम to others more adept, दूसरे कांटा निकालने वाले जो लोग माहिर अफराद हैं उनके हवाले कर देता। Dorothy had bought him a floppy sun bonnet to wear while he was out in the canoe, डोरथी ने क्या किया था, उसे कश्ती में बैठने के वक्त के लिए धूप का एक फ्लॉपी हैट खरीद कर दिया था। Dorothy had bought him, उसको डोरथी ने ख़रीद कर दिया था a floppy sun bonnet, एक धूप में पहनने वाला फ्लॉपी हैट जो था, टू वियर वाइल ही वाज आउट इन द कैनो, कि जब वो पहने जब वो बाहर कश्ती में सवार हो। मंकीज बंदरों, शी रिटॉर्टेड इंडिग्नेंटली व्हेन आई लाफ्ड एट द साइट ऑफ हिम वियरिंग इट, शी रिटॉर्टेड इंडिग्नेंटली, उसने ताओ खाकर जवाब दिया, मतलब थोड़ा सा रूड होकर, जैसे हम कह सकते हैं, उसने ताओ खाकर जवाब दिया, व्हेन आई लाफ्ड एट, जब मैं हंसा। ये कौन कह रहा है, ये जो इसको लिखने वाला राइटर जो है वो इसके बारे में बयान कर रहा है, उसने कहा कि व्हेन आई लाफ्ड, जब मैं हंसा, दस एट द साइट ऑफ हिम वियरिंग इट, उसको देखकर जब मैं हंसा, कि उसने वो टोपी पहनी हुई थी, हैट पहनी हुई थी, कैन गेट sunstroke too, monkeys can get sunstroke too, बंदरों को भी धूप लग सकती है। monkeys बंदरों, she retorted indignantly when I laughed at the sight of him wearing it, उसने ताव खाकर जवाब दिया, जब मैंने उसकी तरफ हंस कर देखा कि वो हैट पहने हुए है। can get sunstroke too, बंदरों को भी धूप लग सकती है, उसने ये कहा। दिस इज ऑल्सो योर क्लास वर्क। क्वेश्चन नंबर 5, वाई डिड डोरथी मेक लावल वियर अ सन हैट, डोरथी ने लावल को सन हैट क्यों दिया पहनने के लिए। वट काइंड ऑफ हैट
वाज इट, वो किस तरह की टोपी थी, एंड हाउ डिड इट सीम, व्हाट लावल अबाउट वियरिंग इट, कैसे लग रहा था, व्हाट लावल अबाउट वियरिंग इट, उसको पहनने के बारे में. डोरथी मेड लावल वियर अ सन हैट टू प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम द सन स्ट्रोक, धूप से, सूरज की रोशनी, सूरज की तपिश से बचाने के लिए उसने लावल को ये सन हैट पहनने के लिए दिया था. दिस इज़ योर डायरी, यू हैव टू डू रीडिंग ऑफ पेज नंबर 154 एंड लर्न क्लास वर्क ऑफ फिशिंग बबून. आपने फिशिंग बबून का पेज नंबर 154 की रीडिंग करनी है और आपने लर्न करना है क्लास वर्क जो कि क्वेश्चन नंबर 5 की सूरत में है. नाउ दिस इज योर डायरी एंड थैंक्स फॉर लिसन दिस लेक्चर. अल्लाह हाफिज़.